कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 हम लोग पढ़ रहे थे और 26 का जो ये ऑप्शन ए था ये गलत ऑप्शन था। ये 26 का क्वेश्चन ए नहीं सही होगा, ऑप्शन है। 26 का जो क्वेश्चन होगा वो डी सही होगा। 26 का क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गए थे, इस वजह से समझ में नहीं आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपथित कर दिया जाए। ऑप्शन विकल्प की तरफ आते हैं। पहला विकल्प है परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। दूसरा विकल्प है सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी। और तीसरा विकल्प है प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा। और चौथा ऑप्शन है कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा के समान होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है वैरिस्टर, दूसरा ऑप्शन है सेसिस्टर, तीसरा ऑप्शन है थर्मिस्टर और चौथा ऑप्शन है लाइट डिपेंड रजिस्टर। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा बी, सेसिस्टर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है धारा इंटू समय, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज इंटू धारा, तीसरा ऑप्शन है धारा इंटू प्रतिरोध, चौथा ऑप्शन है वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, धारा इंटू समय। क्यू बराबर आई टी होता है सूत्र। चालकता की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है महो, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है ओम मीटर और चौथा ऑप्शन है डी, ओम मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, चालकता की इकाई महो होती है। चालकता की इकाई महो होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड अंश में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तापमान प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है तापमान के नियम, तीसरा ऑप्शन है तापमान नियंत्रण और डी ऑप्शन है इसका तापमान गुणांक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशियंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ। 32। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है चल लो मीटर, दूसरा ऑप्शन है चल लो कुंडली वोल्ट मीटर और सी ऑप्शन है चल लो वोल्ट मीटर और डी ऑप्शन है डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर यानी चल कुंडली वोल्ट मीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर है। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पाथ का मान बताइए। पहला ऑप्शन है 5 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 10 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 15 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 20 वोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, 10 वोल्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन है परिपथ में फ्यूज, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर संयोजन, तीसरा ऑप्शन है घरों में विद्युतीय लैंप और डी ऑप्शन है ओम मीटर में शंट प्रतिरोधक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परिपथ में फ्यूज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 है। 1 ओम से 100 ओम तक नापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा ऑप्शन केल्विन ब्रिज विधि, तीसरा ऑप्शन है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि और चौथा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और एमीटर विधि द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36। विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है इसका ओम सेमी, दूसरा ऑप्शन है ओम प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है ओम मीटर और चौथा ऑप्शन है माइक्रो ओम प्रति सेमी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, ओम मीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रतिरोधक का प्रतिरोध का क्या मान है? क्वेश्चन नंबर 37। पहला ऑप्शन है 330 प्लस माइनस 5% ओम, दूसरा ऑप्शन है 3300 प्लस माइनस 10% ओम, तीसरा ऑप्शन है 33000 प्लस माइनस 5% ओम, और तीसरा ऑप्शन 3,30,000 प्लस माइनस 5-10% ओम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, 3300 प्लस माइनस 10% ओम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरह। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में संट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन है परिपथ में धारा को सीमित करना, दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है संकेत की शून्य स्थिति को समायोजित करना, और चौथा ऑप्शन है परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, संकेत की शून्य स्थिति को समंजित करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है धारा का वर्ग, और तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध का वर्ग, और चौथा ऑप्शन है उसमें प्रवाहित धारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, धारा का वर्ग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 है। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं, दूसरा ऑप्शन है दोगुना कम हो जाता है, और तीसरा ऑप्शन है दोगुना अधिक हो जाता है, चौथा ऑप्शन है 4 गुना कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर होगा बी, दोगुना कम हो जाता है, डिक्रीजेज इन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41। परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। विकल्प देते हैं, पहला विकल्प 48 वोल्ट, 48 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 72 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 80 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है 100 वोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 100 वोल्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, तीसरा ऑप्शन है समान रहेगा, चौथा ऑप्शन है अनंत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, डिक्रीज, मतलब घटेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज इनटू समय, वोल्टेज गुणे समय, तीसरा ऑप्शन है करंट इनटू वोल्टेज, धारा गुणे वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है करंट इनटू रेजिस्टेंस, धारा गुणे प्रतिरोध, चौथा ऑप्शन है वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस, धारा वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, करंट इनटू वोल्टेज, धारा गुणे वोल्टेज, वी बराबर आई, आई आर बराबर नहीं, पी बराबर वी आई होता है, शक्ति पूछ रहा है पावर, शक्ति को पी से इंडिकेट करते हैं, पी बराबर वी इंटू आई होता है, वी वोल्टेज, आई धारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लाइन के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। पहला ऑप्शन है 31.25 ओम, दूसरा ऑप्शन है 62.5 ओम, और तीसरा ऑप्शन है 312.5 ओम, और चौथा ऑप्शन है 625 ओम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, 312.5 ओम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खुले सर्किट में प्रतिरोधक का मान क्या है? पहला ऑप्शन है 0, 0, दूसरा ऑप्शन है लो कम, तीसरा ऑप्शन है हाई अधिक, और चौथा ऑप्शन है इनफाइनाइट, मतलब अनंत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, इनफाइनाइट, अनंत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधक में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगा?
सबसे कम धारा बहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है 50 ओम, दूसरा ऑप्शन 220 ओम और तीसरा ऑप्शन है 450 ओम, डी ऑप्शन है 560 ओम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। इसमें धारा कम बहेगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। जहाँ रेजिस्टेंस अधिक होता है वहाँ धारा का प्रवाह क्या होता है, कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का गुण होता है धारा प्रवाह के गुण को रोकना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। पहला ऑप्शन है 1.72 ओम प्रति सेमी क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 1.72 माइक्रो ओम, तीसरा ऑप्शन है 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेमी क्यूब और चौथा ऑप्शन है 1.72 माइक्रो ओम प्रति मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेमी क्यूब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, चालक के प्रतिरोध के विद्युत क्रमानुपाती क्या होता है। पहला लंबाई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिरोधकता, तीसरा ऑप्शन है तापमान और चौथा ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, पहला क्वेश्चन है परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। पहला ऑप्शन है 0.16 माइक्रोफेरेड, दूसरा ऑप्शन है 6 माइक्रोफेरेड, तीसरा ऑप्शन है 30 माइक्रोफेरेड और चौथा ऑप्शन है 70 माइक्रो, मतलब 70 माइक्रोफेरेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, 6 माइक्रोफेरेड। सारे विकल्प सिलेक्ट हो जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है मोह, दूसरा ऑप्शन है हेनरी, तीसरा ऑप्शन है फैराड, चौथा ऑप्शन है कूलाम। राइट आंसर इज सी, फैराड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। पहला ऑप्शन है 0.0144 फैराड, दूसरा ऑप्शन है 0.025 फैराड और तीसरा ऑप्शन है 0.14 फैराड और चौथा ऑप्शन है 0.25 फैराड ओम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, दूसरा ऑप्शन है प्लेट क्षेत्रफल प्रतिरोध को घटाकर और तीसरा ऑप्शन है प्लेट के मध्य दूरी बढ़ाकर और चौथा ऑप्शन है उच्च विद्युतीय नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा सी, प्लेट के मध्य दूरी बढ़ाकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है इस्पात, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, जल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कारक विद्युतीय चुंबकीय की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कुंडली की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है धारा की दिशा, तीसरा ऑप्शन है धारा की शक्ति और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर मीटर, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर टर्म और चौथा ऑप्शन है एम्पियर प्रति टर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एम्पियर टर्म, ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि तीन प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। LT बराबर टोटल प्रेरकत्व पूछ रहा है। LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस LT बराबर L1 इंटू L2 इंटू L3। दूसरा ऑप्शन है L3 बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। तीसरा ऑप्शन है LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 और चौथा ऑप्शन है डी, LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं
परमियंस की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है एम्पियर टर्न, दूसरा ऑप्शन है वेबर प्रति एम्पियर टर्न, तीसरा ऑप्शन एम्पियर टर्न प्रति वेबर, चौथा ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन है कार्क स्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, और तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, राइट हैंड प्लान रूल, प्लम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, श्रेणी परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। पहला है चार, पहला ऑप्शन है ए चार, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, और तीसरा ऑप्शन है कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग कम होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ अचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ है? पहला ऑप्शन है क्लिट वायरिंग, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है बिस्मित, और चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, कॉपर, तांबा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीएच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताएं। ये जो एक्स भाग द्वारा इंडिकेट किया गया है, ये जो रेखा खींची गया है इसको, पहला ऑप्शन देखते हैं को ए सर्विस ट्री, दूसरा ऑप्शन संतृप्ति बिंदु, तीसरा है चुंबकीय बल, और चौथा ऑप्शन है अवशेष चुंबकत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? पहला रिलेक्टिविटी, दूसरा एम्पियरेंस, तीसरा ऑप्शन है रिलेक्टेंस, और चौथा ऑप्शन है परमिएबिलिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, परमिएंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, और चौथा ऑप्शन है एम्पियर टर्न प्रति मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। यदि विद्युत आवेश क्यू है तो वोल्टेज भी है, तो संधारित्र सी के लिए सही अभिव्यक्ति क्या है? सी बराबर क्यू बाई वी, सी बराबर वी बाई क्यू, सी बराबर क्यू बी वी क्यू, और सी बराबर अंडर रूट वी इंटू क्यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, सी बराबर क्यू बाई वी। ये फार्मूला ही है, फार्मूला दे दिया गया, सी बराबर क्यू बाई वी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला ऑप्शन है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, दूसरा ऑप्शन है कुंडली में करंट कम करें, और तीसरा ऑप्शन है कुंडली में घुमाव की संख्या कम करें, और चौथा ऑप्शन है पदार्थ के वी एच वक्र को बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 18 था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, इंक्रीजेज द फील्ड, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है हिस्टेरेसिस, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय तीव्रता, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण, और चौथा ऑप्शन है अवशेष चुंबकीय।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए हिस्टेरेसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए हिस्टेरेसिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला हिस्टेरेसिस, दूसरा त्वचा प्रभाव, तीसरा भौर धारा और चौथा पर विद्युत तनाव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी भवर धारा ईडी करंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। पहला ऑप्शन है टीवी ट्यूनर, दूसरा ऑप्शन है दोलन, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि विस्तारक यंत्र और चौथा ऑप्शन है रेडियो रिसीवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रेडियो रिसीवर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट और तीसरा ऑप्शन है परिपथ में धारा कम हो जाती है और चौथा ऑप्शन है संधारित्र का मान बढ़ाया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है निकेल, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम, चौथा ऑप्शन है मैग्नीन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए लकड़ी वुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा ऑप्शन है वेबर, तीसरा ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर और चौथा ऑप्शन है एम्पियर टर्न। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए टेस्ला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, पदार्थ का BH वक्र हिस्टेरेसिस लूप के आकार का दर्शाता है। पहला पदार्थ का रिलेक्टेंस, दूसरा ऑप्शन है पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता और तीसरा ऑप्शन है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। पूरे ऑप्शन सिलेक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी विद्युतीय मात्रा सीधे भवर धारा के समानुपाती होती है। पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा धारा, तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति और चौथा ऑप्शन है प्रतिरोध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है लेंथ लंबाई, दूसरा ऑप्शन है फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स घनत्व और तीसरा ऑप्शन है फ्लक्स इंटेंसिटी क्षेत्र तीव्रता और तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स चुंबकीय वाहक बल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक फिल्म प्रकार, दूसरा ऑप्शन है सिरेमिक डिस्क प्रकार और तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम प्रकार और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक टैटलम प्रकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी इलेक्ट्रोलाइटिक टैटलम प्रकार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष है, या कार्य नहीं करेगा, या एक बार में फट जाएगा, या लीक हो जाएगा और चौथा ऑप्शन है या सामान्य रूप से कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर है ए या कार्य नहीं करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, यदि संधारित्रों में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो संधारित्र के मान में क्या परिवर्तन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहले देखते हैं ऑप्शन,
शून्य हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है समान रहेगा, तीसरा ऑप्शन है कम हो जाएगा और चौथा ऑप्शन है बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है इंक्रीज, बढ़ेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, चुंबक में कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है द्विसीय विशेषता, प्रेरण विशेषता, और तीसरा ऑप्शन है संतृप्त विशेषता, चौथा ऑप्शन है ध्रुव मौजूद विशेषता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, द्विसीय विशेषता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है इस्पात, तीसरा ऑप्शन है कांच, चौथा ऑप्शन है जल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रेरण विधि, दूसरा ऑप्शन है एकल स्पर्श विधि, तीसरा ऑप्शन है दोहरी स्पर्श विधि, और चौथा ऑप्शन है विभाजित स्पर्श विधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रेरण विधि। इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा? पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, तीसरा ऑप्शन है शून्य हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन है समान रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंक्रीज, बढ़ेगा। पहला ऑप्शन सही, बढ़ेगा। आते हैं संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन है प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, और तीसरा ऑप्शन है प्लेटों के बीच लघुपतन से बचाता है, और चौथा ऑप्शन है संधारित्र में आवेशों को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, संधारित्र में धारिता का मान किस कारण के द्वारा निर्धारित हो रहा है? इसको विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है प्लेट का क्षेत्रफल, दूसरा विकल्प है प्लेट का आकार, तीसरा विकल्प है प्लेट का पदार्थ, चौथा विकल्प है प्लेटों की मोटाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्लेटों का क्षेत्रफल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, आरएफ युग्मन में सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है टेटलम, दूसरा ऑप्शन है मोनोलिथिक, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिटिक, और तीसरा ऑप्शन है धातुकृत पॉलीप्रोपाइलिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, मोनोलिथिक। आज के लिए इतना ही, आप आगे जो होगा नेक्स्ट वीडियो में।